और ये पीछे देख रहे हो, आह क्या शानदार नजारा है, चारों तरफ बर्फ। फाइनली ये रहा मेरा कैंप, मैंने पिच कर लिया है। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रीट ब्लॉगर। तो ये आपको एक नया सीरीज देखने को मिल रहा है और इसमें केवल आपको बजट ट्रिप का ट्रैक देखने को मिलेगा, ट्रैक ही ट्रैक होगा, बस एडवेंचरस जो पीछे आपको दिख भी जा रहा होगा ये सब। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है खीर गंगा ट्रैक, और अभी मैं हूँ ये जो पीछे रोड जा रहा है ये है बरसनी मार्केट। ये भुंतर से आप जब बस लोगे तो आपको मिल जाएगा, है यही है इस खीर गंगा ट्रैक का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट। तो यहाँ पीछे पड़ा है मेरा बैग, मैंने अभी नाश्ता किया और अब शुरू करते हैं डे वन, चलते हैं। आई एम रेडी टू गो। ये है पुल, मैंने यहीं से रेंट पे लिया हुआ है, 50 रुपया लिया, बोला कि जब रिटर्न करने पे 20 रुपया वापस करेगा, मतलब इसका 30 रुपया रेंट है इस डंडे का। मैंने पीछे अपना टेंट, स्लीपिंग बैग सब बैग में पैक कर लिया हुआ है। पिछले यात्रा में आपने देखा था मैं केवल उसको कैरी कर रहा था, कभी यूज करने का मौका भी नहीं मिला, लेकिन इस बार इसका फुल टू यूज होगा और फुल बजट ट्रिप होगा। होटल तो कहीं मेरे को लेना नहीं है, जहां भी ठहरना है अपने कैंप में ठहरना है, अपना स्लीपिंग बैग है, बाकी सारी चीज है, और यहाँ तक मोबाइल चार्ज करने के लिए। पीछे अभी आपको चलते हैं, पीछे करके दिखाते हैं, आगे चल के जब सेट करते हैं। तो मैंने एक छोटा सा सोलर भी ले लिया हुआ था कि मोबाइल चार्ज करने का दिक्कत होता है, जिसकी वजह से होटल लेना पड़ जाता है कई बार, तो इस बार ये भी सॉर्ट आउट हो गया है। तो मस्त चलते हैं, रास्ता तो मेरे को मालूम है नहीं, अब चलते चलते पता चलेगा। तो मैं हूँ सोलो, इस बार मैंने सोलो ही घूमने का प्लान किया हुआ है। अभी ग्रुप मिला था तो ग्रुप आगे थोड़ा चला गया हुआ है, वो लोग शायद रिटर्न भी आ जाएगा आज, लेकिन मेरे को आज ठहरना है वहीं पे, आज तो कैंप इस्तेमाल करना है वहां पे किसी भी हालत में। एक तो इतना खड़ा है उतरने का, ऊपर से मेरे बैग में ना कुछ तो कम से कम 15 केजी तो होगा ही, 15 केजी लेकर के मेरे को उतरना पड़ रहा है। इतना ही दूर आते आते लग रहा है कि हाँ कुछ वजन लिए हैं, शुरुआत में तो नहीं लगा था, लेकिन 1 किलोमीटर लगभग आए हैं यहाँ पे और लग रहा है कि कुछ तो वजन अब कैरी कर रहे हैं। सामने ये जो पहाड़ पे दिख रहा है, क्या शानदार बर्फ जमा हुआ है, मजेदार सीन है। और ये पार्वती नदी, भयंकर गर्मी होने लगा था तो ये निकाल के नीचे बांध लिया हूँ, और अभी बैग रखा हूँ इधर, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, पसीना बहुत ज्यादा हुआ है। कितना अभी 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर मुश्किल से आया हूँगा। मुर्शिद मेरे साथ धोखा हुआ है, अभी आया तो मेरे साथ वाला जो आगे चार्ज चल रहा, थोड़ा सा आगे मैं रुक के लगा निकालने, वो आगे एक और रास्ता से चला था, मैं पीछे पता ना किस ध्यान में था, मैं रास्ता भटक के कहीं और चला गया। 45 मिनट चल के जा रहा हूँ तब दिख रहा है बस एक अस्तबल है, ऊपर रास्ता बंद है, जो घोड़ा ढुलाई का काम करता है सब यहाँ पे, उसका एक अस्तबल बस था। अब वहां से फिर रिटर्न आधा घंटा आया, यार मेरा इतना टाइम बर्बाद होगा, इतना मेहनत बर्बाद होगा, वैसे ही आदमी इतना बोझा लेके थक जा रहा है, बहुत गलत हुआ है। अब फिर रास्ता चेंज करके चल रहा हूँ। यार अब ये लोकेशन देखो, इतना ऊपर आने के बाद कितना मजेदार दिख रहा है, नजदीक से जूम किया जाए थोड़ा, शानदार जबरदस्त जिंदा। ऊपर देख रहे हो बादल कितना शानदार है इसमें। यार मेरा बैटरी खत्म होने लगा, एक तो अभी थोड़ी देर पहले मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था पता नहीं क्यों। क्या शानदार नजारा है, मैं बहुत ऊपर आ चुका हूँ, इतना पतला दिख रहा है ये। हाँ जी गुड मॉर्निंग। तो ये एक ड्रास्टिक चेंज होगा, कल मैं घूम रहा था कहीं और आज हूँ एक रूम में। हुआ क्या कि मेरा मोबाइल खराब हो गया, जिसकी वजह से मेरा 2-3 घंटा लेट हो गया, तो मैं ऊपर नहीं जा सकता था ज्यादा, क्योंकि फिर बीच में फंस जाता मैं, तो मैं आ गया नीचे और यहाँ पे एक रूम में, मैंने मूड ऑफ हो गया था इसलिए मैंने कैंप भी नहीं गया, एक रूम ले लिया है ये, और आज दोबारा से कंटिन्यू करते हैं और यहां से नजारा देखो रूम से।
ये देखो क्या शानदार नजारा है रूम से। आज की यात्रा तो 2.5 किलोमीटर अभी तक हो गया है। मेरे साथ अभी था एक ग्रुप जो किसी कंपनी के द्वारा जा रहा था, वो लोग थे हैदराबाद के। उसमें आधे तो पीछे ही रुक गए जबकि वो खाली थे, और मेरे पास से 15 किलो का ये वजन। थोड़ा सा 2-4 मिनट रेस्ट कर लेता हूँ फिर चला जाएगा। एक पत्थर मिला उसी पर बैग अपना टिका दिया हूँ, चला जाए। अभी गर्मी होने लगा था तो मैंने सोचा अब चलो जैकेट निकाल देते हैं, ऐसे नीचे इसको बांध लिया हूँ कल की तरह ही। चलते हैं थोड़ी दूर पे, अब आगे एक गांव पड़ता है, वहां से 6 किलोमीटर और पड़ेगा। टोटल शायद 12 किलोमीटर का है ना खीर गंगा एक्चुअल। अच्छा चलो आगे पता करके बताते हैं गांव कितना दूर पड़ता है। वहां से शायद 6 किलोमीटर पड़ेगा टॉप समिट पॉइंट। यह है पीछे एक गांव यहाँ पे, और यहाँ से पड़ता है 7 किलोमीटर। यहाँ पे है आपको रेस्टोरेंट होते हैं, मैगी इत्यादि अगर कुछ खाना है, पानी लेना है तो आप आराम से ले लो। वहाँ पे देखो लोग आराम से बैठे हुए हैं। अब थोड़ा ठंड लगने लगा था यहाँ पे, हवा अचानक चलने लगा है तो आदमी प्रॉपर टोपी वोपी डाल लिया है, और अपना मैंने कुछ सामान भी यहाँ पे छोड़ दिया। जितना अब चार्ज होना था पावर बैंक उतना हो गया है, और अब बाकी अपना सोलर और कुछ सामान मैंने बैग हल्का करने के लिए वहीं पे एक दुकान में डाल दिया। अब चलते हैं यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। पीछे यहाँ पे एक और कैफे है लगभग 1 किलोमीटर, तो मैं आ ही चुका हूँ। यहाँ पे है ना इतना ज्यादा महंगा होते जाएगा सामान जब जितना ही आप ऊपर चढ़ते जाओगे, क्योंकि यहाँ पे सामान ढोने के लिए घोड़े का इस्तेमाल होता है और वो बहुत महंगे होते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक अंडा मैगी और एक लेमन जूस का प्राइस पड़ा था 160 रुपया। कहें वाह क्या बात है। लेकिन दिक्कत अब एक तो टूरिस्टिक प्लेस है यहाँ पे वहीं आता है जो कुछ खर्चा करने वाला है, दूसरा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम गड़बड़ है। गड़बड़ क्या मतलब, ऐसा रास्ता है तो ट्रैकिंग ही करना है तो ऐसा ही मिलेगा ट्रांसपोर्ट। देख रहे हो ये पूरा कीचड़ कीचड़ बना हुआ है, और इसमें घोड़ा जो है सब वो और ज्यादा इसको कीचड़ बना के रखे हुए है। यहाँ पे एक रुद्रनाग टेम्पल है, ये छोटी सी पुल है एक, और क्या ही शानदार यहाँ से वाटरफॉल का नजारा है, मजेदार। कुछ भी कहो मेहनत तो लग रहा है चढ़ने में, लेकिन नजारे इतने शानदार हैं कि मेहनत बर्बाद नहीं हो रहा है, लग रहा है कि हाँ चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है। और अब ये नजारे देखो, एक पुल है यहाँ पे, और थोड़ा सा जो पिछला पुल था रुद्रकुंड के बाद उससे 200 मीटर आगे ये वाला तो और शानदार दिख रहा है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्टीप चढ़ाई है, यहाँ जब मैं पुल से आगे बढ़ा इसके बाद एकदम सीधा खड़ा चढ़ाई जा रहा है। देखो ये ऐसे तो फ्लैट लग रहा है वीडियो में, लेकिन पूरा खड़ा है, हालत खराब हो गई थोड़ा सा चढ़ने में। ये अभी उतना ऊपर जाना, और मेरे जो आगे गया था ग्रुप वो भी अभी दिख ही रहा है, वो भी यहाँ पे आके धीरा हो गया था सब। खीर गंगा ट्रायल है वो, जहाँ से 3 किलोमीटर और पड़ता है, वहां से मुश्किल से मैं 100-150 मीटर इधर हूँ। और यहाँ पे अब नेटवर्क खत्म हो गया है, इसीलिए पहले ही मैंने घर पे मैसेज कर दिया था कि हो सकता है आज कॉल ना करूं, क्योंकि नेटवर्क तो ऊपर मिलने वाला नहीं है। मतलब है एक दो ना जो ये कंपनी वाला है तो वो सब क्या किया वहाँ पे फाइबर का अब सुविधा कर दिया है सब, लेकिन है उसका एक्स्ट्रा चार्ज, अब देखते हैं क्या होता है। नहीं तत्काल अब ऑलमोस्ट यहाँ से 3 किलोमीटर मतलब आगे से है, और 100-150 मीटर थोड़ा सा और आगे पड़ता है वो पॉइंट। और यहाँ देखो नजारा, और ये जो है ना रुद्रनाग से ये बड़ी खतरनाक, रुद्रनाग से लेकर कि ये जो सामने वाला पॉइंट है बहुत ज्यादा स्टीप चढ़ाई था, बहुत ज्यादा। ये सामने देखो ये अच्छा खासा स्टीप है, देख लो ऐसे ऊपर नीचे होते आना, ये भी बहुत नीचे है, लेकिन कैमरा में उतना सही से दिखता है नहीं,
देख रहे हो बहुत ज्यादा ऊपर है, लेकिन वैसे कैमरा में उतना सही नहीं दिख रहा है। मैंने अपना सोलर तो रख दिया, लेकिन अब पता ना पावर बैंक कितना चार्ज है, और मोबाइल मेरा 50% हो गया। इसी में आगे रात भर गुजारा करना है, कल वापस भी आना है, देखते हैं चार्ज थोड़ा भी हुआ था या नहीं पावर बैंक। अगर हुआ होगा तब तो ठीक है, नहीं हुआ होगा तो होंगे दिक्कत। हम आ गए हैं अब उस पॉइंट पे जहाँ से ट्रेल मात्र अब 3 किलोमीटर बचता है। पीछे लिखा हुआ होर्डिंग पे 3 किलोमीटर खीर गंगा। चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर रही है, अब आगे निकला जाए। मेरे ट्रैक की पहली बर्फ जो आदमी देखने आया था यहाँ से शुरू होता है, ये देखो। और यहाँ सामने देखो जाने के ये रास्ता कितना संकरा है, ये देख रहे हो, पुराना है, बहुत हार्ड हो चुका है। ये चढ़ना क्योंकि इसमें प्रॉपर जैसे अदर ऐसे हल्का हल्का सीढ़ी जैसे है ना, यहाँ पे वैसा नहीं है, पूरा एकदम एक तरह से पत्थर ढलान जैसे बना हुआ है और इसी पे चढ़ना है। और कमाल की बात यह है कि मेरे पास कोई ट्रैकिंग शू नहीं है, मेरा यही है नॉर्मल स्पोर्ट शू। लेकिन कमाल की बात है अभी तक तो बहुत ही परफेक्ट लेकर आया है, मतलब थोड़ा सा इसका ग्रिप उससे कम है, लेकिन फिर भी बहुत सेफ लेकर आया है मेरे को मेरा जूता। इसके लिए इसको अलग से धन्यवाद बोलना चाहिए। ठीक है, ये देख रहे हो यही है यहाँ पे, और आ रहे हैं, ओह यहाँ से अभी सामने से और आ रहे हैं। साइड में रहना जरूरी है, एक लात पड़ा ना तो हालत खराब हो जाएगी, ऐसे मैं पूरा इधर हो जाता हूँ। शानदार है यार नजारा तो, ये पूरा समिट तक जाते हैं ऊपर, ये पूरा समिट तक ऊपर जाते हैं घोड़ा। कालगा से समिट तक जाने का कितना चार्ज लगता होगा ये घोड़े का? कालगा से समिट तक जाने का कितना चार्ज लगता होगा घोड़े पे जाने का? हाँ घोड़े पे सिर्फ सामान जाता नहीं, मतलब अति वैसे सामान पहुंचाने का 1000 रुपए, 1000 एक घोड़े का। तभी मैं बोलूं इतना महंगा क्यों है यार सारा सामान ऊपर। एक घोड़ा है मुश्किल से एक सिलेंडर के बराबर है, मुश्किल से 2 सिलेंडर तक कैरी कर सकता है, या फिर 1 से 2 बोरा कैरी कर सकते, उसमें कितना ही सामान हो सकता है। और सोच लो ऊपर तक जाने का किराया 1000, अगर तुम 1000 का सामान ला देते हो, क्योंकि ज्यादा तो लेके जाएंगे नहीं, वो भी तो जानवर हैं, और 1000 तुमको एक घोड़े का चार्ज लगता है साफ, तो प्राइस इधर 2 से 3 गुना बढ़ जाता होगा यार। और फिर ऊपर ये सुविधा देना, महंगा तो है इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे रुक के मैंने थोड़ा सा 5 मिनट रेस्ट किया और एक चाय मतलब यहाँ पे कप में नहीं मिलता है चाय, यहाँ पे मिलता है ग्लास में, और एक ग्लास का था 50 रुपए दाम, क्या चलो पी लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट हो गया और अब निकलते हैं। ऑलमोस्ट 90% मैंने कवर कर लिया हुआ है, जो हाफे वाटरफॉल होता है ना वो भी मैंने क्रॉस कर लिया है, और अब चल रहे हैं आधे घंटे से, और मैक्स टू मैक्स अगर धीरा चले तो 1.5 घंटा का सफर और बचा है, फिर उसके बाद मैं होऊंगा समिट पॉइंट पे। चलिए चलते हैं आगे। फाइनली आई डिड इट, यह है मेरे पीछे, आप बर्फ देख सकते हैं, यही है खीर गंगा ट्रैक समिट पॉइंट, मैं आ चुका हूँ फाइनली। ये देख रहे हो पूरा कैंप कैंप चारों तरफ, इधर कैंप ही लगा हुआ है, और यह है सामने, सुबह इस पे जाएंगे, थोड़ा सा बर्फ वाला एरिया एक्सप्लोर किया जाएगा। और अभी मेरा जो चैलेंज है वो ये है कि एक पॉइंट खोजना जहाँ पे मैं अपना टेंट लगा सकूं। देखते हैं कैंप लगाते लगाते बारिश आ गई, ये हल्का सा ये सब भीगने लगा, जल्दी से बंद करते हैं और अंदर का मैट डालते हैं, स्लीपिंग बैग निकालते हैं। फाइनली ये रहा मेरा कैंप, मैंने पिच कर लिया है, कल सुबह जाया जाएगा टॉप पे। ये देख लो अंदर से कैसा दिखता है, खुल जा सिम सिम स्लीपिंग बैग, और मैंने मैट डाल लिया हुआ है, और बारिश भी हल्की हल्की है, ज्यादा नहीं है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा, हाँ जी भाई, अरे
हाँ जी, तो खाना हो गया है, महंगे थे पर लजीज थे, यहाँ के हिसाब से खाने सही है। घना अंधेरा हुआ है बाहर और हल्की हल्की बारिश आ रही है, अगर ऐसा दिख रहा हो। अरे यार, पानी अंदर आ रहा है क्या? मेन दिक्कत है मेरे को इसको इसको क्या कर रहा हूँ, अभी इसका जो कवर है डाल के इसको उल्टा रख देता हूँ, ताकि अगर नीचे से भी पानी पास करे तो भीगेगा नहीं। और यहाँ पे तो अपना प्रॉपर बंदोबस्त है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। खाने हो गए, अब चलते हैं सोने। लगभग टेम्परेचर यहाँ पे कितनी, मैं जब शाम को आया था तभी भाई बोल रहा था ना कि अप्रोक्स 1-0 होगा, और अभी तो जैसे जैसे रात होती जा रही है टेम्परेचर गिरते जा रहा है, हल्की हल्की बारिश के साथ और ज़्यादा टेम्परेचर गिर रहा है। कोई ना, तो अपने पास प्रॉपर बंदोबस्त है। ये है मेरा सोने का, इसको डाल देता हूँ हाथ में, पहले बैग के लिए कुछ व्यवस्था कर दिया जाए, उसके बाद चलिए मिलते हैं कल सुबह। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। तो हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, और ये पीछे देख रहे हो, आह क्या शानदार नज़ारा है, चारों तरफ बर्फ, मजे आ रहे हैं यहाँ पे। तो सुबह हो गई, रात को अच्छी खासी बारिश हो रही थी, लेकिन मेरा सस्ता सा कैंप है, टेंट था, लेकिन फिर भी मेरे को सेफ रखा है रात भर, मुझे भीगने नहीं दिया। और अभी मॉर्निंग हुई, एक जो अभी मॉर्निंग हुई और मुझे एक पार्टनर मिले हैं जो पीछे खड़े हैं, ये हैं कोलकाता के। तो मैंने सोचा कि चलो अब जो यहाँ का टॉप व्यू है जिसके लिए सारे लोग आते हैं हॉट स्प्रिंग, वहाँ पे चलते हैं। तब हुआ क्या कि अभी कोई जगह है नहीं और हम लोग आ गए, वैसे ही मैप देखते देखते हम लोग आ गए हैं इस पे, और जो सेकंड वाली क्या बोलते हैं ट्रेल है उस पे है वो हॉट स्प्रिंग। तो अब रिटर्न जा करके उधर मुड़ना पड़ेगा, चलते हैं उधर। अपना हॉट स्प्रिंग में नहाने का तो कोई प्लान नहीं था, लेकिन आदमी बाल धो लिया है, चेहरा धो लिया है, और अब चलते हैं रिटर्न। थोड़ा सा कुछ ब्रेकफास्ट देखते हैं, उसके बाद वापस बरसैनी की तरफ।